उसने मन ही मन सोचा कि उसका अर्जुन पूरी दुनिया में सबसे अलग है। जहाँ लड़के ये सारी चीजें लड़कियों के लिए करना आम बात समझते हैं, वहीं अर्जुन उसे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह पैम्पर कर रहा था। आखिर में जब अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी तो अर्जुन के कपड़े वॉश करने के बाद अनुष्का ने जिद करके उन कपड़ों को पीछे बालकनी में टांगने में उसकी हेल्प करी और इसके बाद दोनों लिविंग रूम में आकर बैठ गए। अर्जुन ने सीरियस होकर अनुष्का से पूछा, कल तुम्हारी मॉम ने हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करी ना, और मायरा उसने तो तुम्हें तंग नहीं किया ना? अर्जुन के पूछने पर अनुष्का को हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट याद आ गया और उसने हंसते हुए कहा, ऑफकोर्स मॉम प्रॉब्लम क्रिएट किए बिना रह सकती है क्या? उसके बाद अनुष्का ने अर्जुन को हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट के बारे में बताना शुरू किया। उसने अर्जुन को बताया कि कैसे उसकी मॉम ने उसे हनी बॉर्डर और प्योर्स के लिए परेशान किया था, तो उसने कैसे उन्हीं के पैसे नर्स को देकर कैमरे वाला टेप रेडी किया। फिर उसने नानी जी के आने के बाद सारे इंसिडेंट के बारे में बताया और फिर अर्जुन को अपने डैड की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में भी बताया। ये सब बताते हुए अनुष्का जोर जोर से हंसने भी लग जाती थी, लेकिन अर्जुन जितना आगे सुनता उतना ही उसे अनुष्का के लिए बुरा फील होता था। उसने अनुष्का के दोनों रूपों को देखा था कि किस तरह अनुष्का पहले अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड थी और उसकी फैमिली उसे किस तरीके से ट्रीट करती थी। वो जानता था कि भले ही अनुष्का सामने से इतना नॉर्मल बिहेव कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी फैमिली के इस तरह से ट्रीट करने का दुख तो होता ही होगा। अर्जुन अनुष्का के दिलो दिमाग से उसकी फैमिली के बारे में सारी कड़वी यादें मिटा देना चाहता था। उसने अनुष्का को कस के बाहों में लेकर हग कर लिया। अनुष्का का अर्जुन को हग करना बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग दे रहा था, उसे अर्जुन की बाहों में बहुत ही सेफ फील होता था। अनुष्का ने भी कसकर उसे रिटर्न में हग कर लिया। अनुष्का के साक्षण से अर्जुन के मन में एक गुदगुदी सी उठी। उसकी फीलिंग्स अनुष्का के जरा से टच से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। उसकी आंखों में अनुष्का के लिए अलग ही ऑब्सेशन नजर आने लगा। अर्जुन ने अनुष्का को अपनी बाहों में उठाया और अपने बेडरूम की तरफ तेजी से जाने लगा। उसने अनुष्का को सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया था। इससे पहले भी डिनर के पहले वो मन भर के अनुष्का को सताना चाहता था, लेकिन उस वक्त अभिराज वहां गया था। अनुष्का ने एक बार भी अर्जुन को रोका नहीं था। उसे खुद भी अर्जुन के करीब रहने की फीलिंग्स अच्छी लगने लगी थी। अनुष्का जब अर्जुन के किस को रिस्पॉन्स करने लगी तो अर्जुन की सांसें और भी तेज हो गई थी। अब तक अर्जुन बेडरूम तक पहुंच गया था। वो बेड पर बैठा और अनुष्का को बिठाकर उसकी कमर पर हाथ रखकर जेंटली किस करने लगा। अनुष्का अर्जुन के टच से अपनी बॉडी में अजीब सी गुदगुदाहट फील करने लगी थी। जब पहली बार उस रात अनुष्का और अर्जुन इंटीमेट हुए थे तब अर्जुन होश में नहीं था और अनुष्का के लिए वो एक्सपीरियंस किसी बुरे हादसे से कम नहीं था। लेकिन अब अर्जुन का उसके करीब आना, उसे किस करना, उसे एक अलग ही स्वीटनेस सी फीलिंग देता था। कमरे की मध्यम लाइट में अनुष्का ने अर्जुन की तरफ देखा जो बेहद प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। अर्जुन की आंखों में उसे अपने लिए असीम प्यार और फिक्र नजर आ रही थी। अर्जुन का हैंडसम चेहरा अनुष्का को और भी अट्रैक्टिव लगने लगा था। लोगों के सामने चाहे अर्जुन कितना भी एरोगेंट और कोल्ड बिहेव कर ले, लेकिन अनुष्का के सामने आते ही उसकी सारी सॉफ्टनेस बाहर आ जाती थी, जैसे उसके मन की सारी कोमलता सिर्फ और सिर्फ अनुष्का के लिए ही रिजर्व थी। ऐसे अर्जुन पर अनुष्का को कैसे प्यार नहीं आता? इस बार उसने खुद ही किस इनिशिएट किया। लेकिन अनुष्का पहले से ही इस मामले में एक्सपीरियंस तो थी नहीं, इसलिए अर्जुन ने ही उसे डोमिनेट करना शुरू किया। लेकिन अनुष्का कहां हार मानने वाली थी। उसने फ्लिप करके अर्जुन को बेड पर लिटाया और पैरों से उसे पलटने से रोक लिया। अर्जुन अनुष्का की इस हरकत से हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनुष्का इतनी बोल्ड हरकत करेगी। वो बड़ी बड़ी आंखों से अनुष्का को देखने लगा। अनुष्का उसकी कमर पर बैठी हुई थी। अनुष्का ने अर्जुन के हैरान चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आ गई थी। उसने झुककर सॉफ्टली अर्जुन के माथे पर किस किया, फिर उसकी दोनों आंखों पर किस किया, फिर उसके गालों पर और आखिरी में उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस किया। अर्जुन के लिए अनुष्का का ये प्यार एक तरीके का नॉटी टॉर्चर था। किसी तरह उसने अपने अंदर उमड़ते तूफान को कंट्रोल करते हुए अनुष्का से कहा, यू आर प्लेइंग विद द फायर। अनुष्का ने एक आईब्रो ऊपर करते हुए नॉटली कहा, ओह रियली? ये कहकर वो जानबूझकर अर्जुन को इधर उधर टच करने लगी। अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। वहीं अर्जुन के लिए अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसकी बॉडी अनुष्का के टच से बिल्कुल सेंसिटिव हो गई थी। अनुष्का की हरकतों से तंग आकर दांत पीसते हुए उसने अनुष्का से कहा, ओके डोंट बी प्लेफुल। अनुष्का कहां अर्जुन से डरने वाली थी। वो जानती थी कि अर्जुन उसे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए उसने अपनी हरकतें बंद नहीं करी। अर्जुन भी समझ गया था कि अनुष्का उससे जरा भी नहीं डरने वाली है। अनुष्का ने अर्जुन से सॉफ्टली पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम कितने हैंडसम हो? जवाब में अर्जुन ने पूछा, तुम्हें मैं हैंडसम लगता हूँ? अनुष्का के हाँ में सर हिलाने पर अर्जुन ने कहा, तो ठीक है। अर्जुन की बात सुनकर अनुष्का ने सॉफ्टली अर्जुन के गालों पर किस किया। इधर अर्जुन किसी तरह अपने इमोशंस को काबू करने की कोशिश करने लगा। अनुष्का ने जब नजर उठाकर अर्जुन के चेहरे की तरफ देखा तो वो आंखें बंद किए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ साफ नजर आ रही थी। अब अनुष्का को रियलाइज हो रहा था कि अर्जुन के लिए ये सब कितना मुश्किल हो रहा होगा। वो झट से अर्जुन के ऊपर से उठकर बेड से उतरकर खड़ी हो गई। उसके उतरने के बाद अर्जुन ने राहत की सांस ली। ये देखकर अनुष्का को और भी बुरा फील होने लगा। उसने सॉफ्टली अर्जुन से कहा, आई एम रियली सॉरी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अनुष्का को जवाब दिया, मैं और मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, यू कैन क्लेम इट एनी टाइम। अर्जुन की बात सुनकर अब अनुष्का को और भी ज्यादा बुरा फील होने लगा था, इसलिए उसने हिचकिचाते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन अगर तुम चाहो तो हम। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन ने बेड से उठते हुए कहा, नो आई डोंट वांट टू फोर्स यू। अनुष्का ने तुरंत ही ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं सीरियसली। लेकिन अर्जुन ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए उसे हग करके कहा, अनुष्का हम शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे भी मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया और तुम जानती हो कि मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। अनुष्का ने सर उठाकर अर्जुन से पूछा, लेकिन ये पहली बार थोड़ी ना होगा, हम तो ऑलरेडी। एक बार फिर अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, अनुष्का उस रात जो कुछ भी हुआ था वो हम दोनों के लिए एक बुरे सपने की तरह है। मैं उस रात के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहता।
मैं आज भी खुद को उस रात के लिए माफ नहीं कर पाया हूँ। मैंने तुम्हें उस वक्त इतनी तकलीफ दी थी, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ प्यार से नहीं बल्कि ड्रग्स के नशे में हुआ था। अनुष्का अर्जुन से कुछ कहना चाहती थी लेकिन अर्जुन ने उसे मौका ही नहीं दिया। अनुष्का को वेट करने को कहा और अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में दोबारा कोल्ड शावर लेने के लिए चला गया। बाहर अनुष्का बेड पर ही बैठकर अर्जुन का इंतजार करने लगी। अर्जुन बाहर आया तो उसके बाल गीले थे। अनुष्का ने उठकर ड्रेसिंग से ड्रायर उठाया और अर्जुन को स्टूल पर बैठने को कहा और प्यार से अर्जुन के बाल ड्राई करने लगी। अर्जुन के बाल सूखने के बाद अनुष्का ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, एटलीस्ट मैं तुम्हारे पास तुम्हें हग करके तो सो सकती हूँ ना। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो खुद भी ये बात अनुष्का से कहना चाहता था लेकिन वो हिचकिचा रहा था कि कहीं अनुष्का इस बात का गलत मतलब ना निकाले। और जब अनुष्का ने सामने से ये बात कह दी थी तो वो कैसे उसे मना करता। उसके हाँ में सर हिलाने पर अनुष्का के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। अर्जुन ने उठकर बिस्तर ठीक किया और अनुष्का से बेड पर आने को कहा। तभी अनुष्का को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ओ नो, मैं तो एक इम्पोर्टेंट बात भूल ही गई। अर्जुन ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या इम्पोर्टेंट बात? अनुष्का ने जवाब में कहा, मैं आज आपको एक्यूपंक्चर देने वाली थी। अनुष्का को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट बात भूलकर वो कहां अर्जुन को परेशान करने में लगी हुई थी। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम नीडल्स लेकर आई हो? अनुष्का ने तुरंत एक्साइटेड होकर जवाब में कहा, हाँ मैं लेकर आई हूँ, बैग में रखे, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर अनुष्का तुरंत ही कमरे से बाहर अपने बेडरूम की तरफ भागी जहाँ पर उसने अपना बैग रखा हुआ था। उसने बैग से एक लेंस निकाला। ये लेंस एक्सरे की तरह काम करता था। इस लेंस को उसके शेखर भैया ने डिजाइन किया था और कुछ ही दिनों पहले केविन ने उसे ये ला कर दिया था। इसके जरिए उसे एक्यूपंक्चर परफॉर्म करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। उसने सबसे पहले लेंस अपनी आंखों में लगा लिया और तुरंत ही अपना बैग लेकर आई और अर्जुन से टी शर्ट उतार कर उसे बेड पर लेटने को कहा। उसने टेबल से ऑयल उठाया और अर्जुन के सर की तरफ बैठकर धीरे धीरे अर्जुन के सर पर मसाज करने लगी। अनुष्का के सॉफ्ट हाथ लगते ही अर्जुन को एकदम रिलैक्सिंग फील हुआ। उसे यकीन हो गया था कि अनुष्का के हाथ में जादू है क्योंकि थोड़ी ही देर में अनुष्का की मसाज से उसे बिल्कुल रिलैक्स्ड और अच्छी फीलिंग आने लगी थी। उसने आंखें बंद किए हुए ही धीरे से अनुष्का का नाम पुकारा, अनुष्का। हाँ, अर्जुन ने आगे सॉफ्टली कहा, दिस फील सो गुड। अर्जुन की यह बात सुनकर अनुष्का के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे खुद पर प्राउड फील हो रहा था। अर्जुन ने आगे कहा, अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मुझे रोज तुमसे मसाज कराने के लिए बोलना पड़ेगा। जवाब में अनुष्का ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स, जब भी आपका मन करे, जब भी आप फ्री हो जाओ तब आप यहाँ आ जाना। और अगर आप बिजी रहे तो मैं मिलिट्री बेस में आ जाऊंगी। देखना, अगर 3 महीने तक मैं आपका एक्यूपंक्चर करती रहूंगी ना तो आपको आगे माइग्रेन की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन ने आंखें खोलकर अनुष्का की तरफ सरप्राइजिंगली देखा। उसने तो कभी अनुष्का को बताया ही नहीं था कि उसे माइग्रेन का प्रॉब्लम था। उसने अनुष्का से क्यूरियसली पूछा, तुम्हें कैसे पता मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है? जवाब में अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने टेबल पर माइग्रेन की दवाइयाँ देखी हुई हैं इसलिए मुझे पता चल गया। जवाब में अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं तो भूल ही गया था कि मेरी होने वाली वाइफ एक बहुत अच्छी डॉक्टर भी है। जवाब में अनुष्का ने हंसते हुए कहा, मैं अभी डॉक्टर बनी का हूँ। अर्जुन ने सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। अनुष्का ने सॉफ्टली अर्जुन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं अच्छी डॉक्टर बनूंगी? अर्जुन ने कॉन्फिडेंटली कहा, मुझे पूरा यकीन है। ये सुनते ही अनुष्का के चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई थी। तभी अनुष्का को लगा कि उसे एक बार लेंस की परफॉर्मेंस चेक करके देखना चाहिए। उसने 5 बार अपनी बल के फटाफट छपकाई और वो लेंस एक्टिवेट हो गया। अनुष्का ने स्कैन करके जब अर्जुन की बॉडी को देखा तो वो तो हैरान हो गई। अनुष्का ने ऐसा क्या देखा था कि वो परेशान हो गई? जाने के लिए सुनते रही। अनुष्का को अर्जुन के सर के पिछले हिस्से में एक रेड क्लॉट नजर आ रहा था। ये छोटा सा ब्लड क्लॉट था जो अर्जुन के ब्रेन के बाएं हिस्से में था। अनुष्का ये देखकर काफी डर गई। ये कैसे हुआ? क्या अर्जुन को इस बारे में पता है? वो क्लॉट अभी अर्जुन के लिए ज्यादा डेंजरस नहीं था, इसलिए उसने किसी तरह खुद को शांत किया और सॉफ्टली अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें ये सर दर्द कब से हो रहा है? अर्जुन ने अनुष्का से जवाब में कहा, कुछ ही दिनों से। अनुष्का को लगा था कि अर्जुन को इस ब्लड क्लॉट के बारे में पता होगा, लेकिन अब अर्जुन के जवाब से उसे अंदाजा हो गया था कि शायद अर्जुन को इस बारे में नहीं पता है। लेकिन वहीं अर्जुन मन ही मन घबराया हुआ था क्योंकि उसे उस ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पता था। जब उसका सर दर्द काफी बढ़ गया था तब उसने डॉक्टर से जाके कंसल्ट किया था और तब उसे पता चला था कि उसके ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट है। लेकिन वो ये सब कुछ बताकर अनुष्का को परेशान नहीं करना चाहता था। इधर अनुष्का को लग रहा था कि कहीं उस टाइम जब उसे बचाने के लिए अर्जुन गुंडों से लड़ रहा था और उसके सर पर चोट आई थी, कहीं उसी कारण से आज अर्जुन के सर पर ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं है। अगर ये सब उसकी वजह से हुआ है तो उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अर्जुन को खुद ही बिल्कुल ठीक करके रहेगी। यही सोचकर अनुष्का ने प्यार से अर्जुन के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अर्जुन आज से 3 महीने तक आपको हर हफ्ते मुझसे किसी भी हालत में एक्यूपंक्चर करवाना ही पड़ेगा। आपके ब्रेन में एक छोटा सा ब्लड क्लॉट है लेकिन उसके लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अनुष्का ने यह बात बहुत ही कैजुअली और शांति से कही थी। अर्जुन अनुष्का की बात सुनकर हैरान था। उसे समझ भी नहीं आया कि अनुष्का को यह सब कुछ कैसे पता चल गया। उसकी कंडीशन के बारे में उसने उसे बताया और अनुष्का को यह भी पता है कि कितने दिनों में यह ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से अनुष्का से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरे ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग है? ये सुनते ही अनुष्का को अपनी बेवकूफी समझ में आई कि उसने बिना कुछ सोचे समझे ही अर्जुन से ये क्या कह दिया था। वो अर्जुन को कैसे बताती कि वो उसके ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकती थी। अनुष्का ने थोड़ी देर अपना दिमाग लगाया लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। और तो और वो अर्जुन से झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। वैसे ही वो अपने बारे में बहुत बड़ी बात अर्जुन से छुपा रही थी और वो उसके लिए ऑलरेडी बहुत गिल्टी भी थी। उसने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर कहा,
मैंने आपसे कहा था ना कि मैं चेहरे और बॉडी के सिम्टम्स देखकर कुछ कुछ बीमारियों का पता लगा सकती हूँ। जैसे मैंने शेर की लंदन की प्रॉब्लम का पता किया था, ऐसे ही मुझे आपकी प्रॉब्लम का भी पता चल गया। अर्जुन ने कुछ सोचकर अनुष्का की बातों पर यकीन करते हुए हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर तुरंत ही अनुष्का से पूछा, लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो कि 3 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें पता है मैंने प्रोफेशनल एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट भी लिया है, लेकिन जब भी आंखें पंक्चर की जाती हैं उसके पहले ही मेरे सर का अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ था और उसके बाद एक्यूपंक्चर की मशीन के जरिए किया गया था। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, ये जो अल्ट्रा प्रिसाइज स्कैन होता है वो वाइट ब्लड सेल्स के लिए काफी डैमेजिंग हो सकता है और मशीन के एक्यूपंक्चर का इफेक्ट भी ज्यादा अच्छा नहीं होता, और इसलिए मैंने 3 बार से ज्यादा ये करवाया नहीं। लेकिन तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो, तुमने तो बिना स्कैनिंग के शेर के लंगल का कितनी बार एक्यूपंक्चर किया है? सुनते ही अनुष्का के हाथ रुक गए जो अर्जुन के सर पर मसाज कर रहे थे। अर्जुन के सवाल का वो क्या जवाब दी थी? इधर अर्जुन ने इस सवाल के बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, वैसे भी उसे एक्यूपंक्चर और मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई खास नॉलेज तो थी नहीं। जैसे ही अनुष्का के हाथ रुक गए तो अर्जुन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वैसे भी वो एक मिलिट्री ऑफिसर था और उसके हाई इंटेलिजेंस से उसे इतना तो समझ में आ रहा था कि अनुष्का उससे कुछ छुपा रही थी। कुछ सोचकर अनुष्का ने बात टालते हुए अर्जुन से कहा, लेकिन इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? अगर मुझे खुद से पता नहीं चलता तो आप तो मुझे बताने नहीं वाले थे ना? जवाब में अर्जुन ने गिल्टी होते हुए कहा, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अर्जुन को अनुष्का के चेहरे पर अपने लिए परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने जब अनुष्का को परेशान होते हुए देखा तो अर्जुन ने पूछा, मसाज करते हुए तुम्हारे हाथ दर्द होने लग गए होंगे ना? अब रहने दो, मुझे वैसे भी बेटर फील हो रहा है। अनुष्का ने तुरंत ही उसकी बात को इग्नोर करते हुए दोबारा से उसके सर पर मसाज करते हुए कहा, नहीं, आई एम नॉट टायर्ड एट ऑल। ये सुनकर अर्जुन ने तुरंत ही अनुष्का के हाथ को पकड़ते हुए प्यार से कहा, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं सच में बेटर फील कर रहा हूँ। अनुष्का ने अर्जुन के हाथों को देखा जिसके बड़े बड़े हाथ उसके छोटे छोटे हाथों को प्यार से पकड़े हुए थे। वो उसके हाथों की रफनेस को अपने हाथ में महसूस कर सकती थी। वो जानती थी कि अर्जुन एक सोल्जर है और उसे कई बार कई डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। उसने कस के अर्जुन के हाथ पकड़े और झुककर सॉफ्टली उसके दोनों हाथों पर किस किया और फिर धीरे धीरे दोबारा से अर्जुन के सर पर उसके मना करने के बाद भी प्यार से मसाज करने लगी। अर्जुन को इतना बेटर फील हो रहा था कि अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद अनुष्का को लगा कि अर्जुन की आंख लग गई है और इसलिए उसने बिना आवाज किए साइड में से नीडल्स का सेट निकाला और लेंस से देखते हुए धीरे धीरे नीडल्स उसके सर पर लगाने लगी। थोड़ी ही देर में अर्जुन के सर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया था और उसे और भी ज्यादा रिलैक्स फील होने लगा था। अर्जुन एक्चुअली में सच में सोया नहीं था, उसने तो सिर्फ आंखें बंद करी थी, लेकिन इतने कंफर्टेबल एक्सपीरियंस के बाद उसे वाकई बहुत अच्छी नींद आ गई थी। अनुष्का आधे घंटे तक वैसे ही बैठी रही ताकि अर्जुन अपना सर इधर उधर न हिला दे। आधे घंटे में बैठे बैठे उसे भी नींद आने लग गई थी, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह खुद को जगाए रखा। उसने आधे घंटे बाद अर्जुन के सर से वो नीडल्स निकाली और फिर उसे कंबल उड़ाकर खुद अर्जुन के बगल में आकर लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया था। अगली सुबह 7 बज रहे थे और फोन की घंटी की आवाज से अर्जुन की नींद खुली। आज वो बहुत अच्छी नींद सोया था और फोन के कारण नींद खुलने से उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन तभी उसे बगल में किसी के होने का एहसास हुआ और उसने जब अनुष्का को अपने करीब सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर इरिटेशन की जगह सॉफ्टनेस ने ले ली थी। वो उठकर फोन उठाना चाह रहा था लेकिन अनुष्का उसके हाथ को पकड़कर सोई हुई थी और जैसे ही वो हिला अनुष्का ने दोबारा उसे कस के पकड़ लिया। अर्जुन को समझ में आ गया था कि अनुष्का उठने के मूड में नहीं है। दोबारा जब अर्जुन ने उठने की कोशिश करी तो अनुष्का ने अपने पैर उसके ऊपर रखे और उसकी चेस्ट पर बिलों की तरह सर रखकर वो सो गई। ये देखकर अर्जुन के चेहरे पर और बड़ी स्माइल आ गई थी। उसने किसी तरह हाथ बढ़ाकर टेबल से फोन उठाया और उसे साइलेंट करके वापस रख दिया और कंबल उठाकर उसने दोनों को अच्छी तरह से उड़ाया और अनुष्का की कमर पकड़कर वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगा और जल्दी ही उसकी भी आंख लग गई थी। करीब 3 घंटे बाद अर्जुन की नींद खुली। अनुष्का अभी भी चैन से सो रही थी और अर्जुन प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरता हुआ उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। उसकी नजर फोन पर पड़ी जिसकी स्क्रीन कॉल आने पर फ्लैश कर रही थी। उसने फोन उठाकर देखा तो ये कॉल राहुल का था। उसे लगा कि अगर उसने फोन उठाकर बात करी तो कहीं आवाज से अनुष्का की नींद न खुल जाए, इसलिए उसने राहुल का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर राहुल को समझ में नहीं आया कि उसके बॉस ने कॉल क्यों डिक्लाइन कर दिया। उसने घड़ी देखी तो सुबह के 10 बज चुके थे। उसे पता था कि अर्जुन सर सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फिर उन्होंने कॉल क्यों काटा होगा? क्या वो किसी जरूरी काम में बिजी है? वो यही सोच रहा था कि तभी उसके फोन पर अर्जुन का मैसेज आया। क्या बात है, कॉल क्यों किया था? मैसेज देखकर राहुल को काफी हैरानी हुई क्योंकि वो जानता था कि अर्जुन सर का नेचर तो बड़ा अजीब था। अगर वो सामने से फेस टू फेस बात कर सकते हैं तो वो कभी भी कॉल करना पसंद नहीं करते थे और अगर वो कॉल पे बात कर सकते हैं तो वो कभी भी मैसेज करना पसंद नहीं करते थे। तो फिर आज उसका कॉल डिक्लाइन करके मैसेज करने का क्या कारण था? अर्जुन सर कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? यही सोचकर उसने तुरंत मैसेज किया, सर आप किसी प्रॉब्लम में है क्या? डू यू नीड माय हेल्प? राहुल वैसे भी कब से अर्जुन को इम्प्रेस करना चाहता था और उसकी टीम को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने उसे अनुष्का को प्रोटेक्ट करने का टास्क दिया हुआ था। वैसे तो वो इस टास्क के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, लेकिन अनुष्का आखिर थी कौन? वो थी अर्जुन की होने वाली वाइफ, इसलिए आखिर में उसने ये टास्क ले लिया था कि किसी तरह अनुष्का के जरिए वो अर्जुन को इम्प्रेस कर पाएगा, जैसे कल उसने उन गुंडों से अनुष्का को बचाया था। वैसे वो गुंडे उसके सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने अर्जुन सर का दिया हुआ काम अच्छे से तो किया था ना। वो मन ही मन सोचने लगा कि जरूर अर्जुन के साथ कुछ हुआ होगा, इसलिए वो मैसेज कर रहा है। लेकिन तभी अर्जुन का रिप्लाई आया, आगे से 10 बजे के बाद ही मैसेज या कॉल करना, वो भी तब जब बहुत अर्जेंट हो। ये मैसेज पढ़ते ही राहुल थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर भी उसने रिप्लाई में कहा, ओके सर, क्या मेरे लिए कोई टास्क है? जवाब में अर्जुन ने उसे मैसेज किया, अनुष्का को प्रोटेक्ट करना ही तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है और कल के केस पर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? कुछ ही देर में राहुल का मैसेज में जवाब आया, रिपोर्टिंग टू सर, जिसने उस वेबसाइट पर ऑर्डर दिया था उसका नाम है मेघा और वो अनुष्का मैम के साथ उस कॉलेज में पढ़ती है।
मुझे ये भी पता चला कि कुछ टाइम पहले आपने ही उससे और उसके रूममेट लीना को चेयरमैन सर से पनिशमेंट दिलाई थी। इसके पहले भी उनके अनुष्का के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, लेकिन इन लोगों के साथ साथ मायरा मेहरा का भी इंसिडेंट में हाथ हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मायरा ने मेघा के अकाउंट में काफी सारे पैसे भी ट्रांसफर किए थे। मैसेज पढ़ते ही अर्जुन की आंखों में गुस्सा उतर आया था, ये सोचकर कि वो गुंडे अनुष्का के साथ क्या क्या कर सकते थे अगर उसने राहुल को उसकी सेफ्टी के लिए नहीं रखा होता। ये सब सोचकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसे लगा नहीं था कि मायरा और वो लड़कियां हद तक गिर जाएंगी कि वो लोग अनुष्का को नुकसान पहुंचाकर उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसे शर्मसार करवाना चाहेंगी। अगर अनुष्का को कुछ हो जाता तो, ये सोचकर ही अर्जुन की रूह कांप गई थी। उसने कसकर अनुष्का को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इसके पहले भी अनुष्का को कुछ गुंडों ने किडनैप किया था और उसमें भी मायरा का ही हाथ था। उस वक्त उसे लगा कि अगर उसने मायरा के अगेंस्ट कुछ किया तो कहीं मिस्टर मेहरा उसका और अनुष्का का रिश्ता न तोड़ दे। उस वक्त अनुष्का भी अर्जुन को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। अर्जुन ने यह सोचा कि उसकी किडनैपिंग में भी अनुष्का पूरी तरह से सेफ थी, इसलिए उसने मायरा के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि अब की बार वो मायरा को छोड़ेगा नहीं। उसने कुछ सोचकर राहुल को एक प्लान मैसेज किया और फिर दूसरे मैसेज में कहा, उन्हें पता लग जाना चाहिए कि उन्होंने किससे पंगा लिया है, किससे पंगा लेने की जुर्रत की है उन्होंने। मैंने तुम्हें जो काम कहा है अगर वो तुम परफेक्टली करते हो तो तुम्हें बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। इधर राहुल ने जब वो मैसेज पढ़ा तो वो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि अर्जुन ने उसे ऑलरेडी पूरा प्लान मैसेज कर दिया था कि उसे किस तरीके से उन लड़कियों को सबक सिखाना था। उसे तो बस उस प्लान पर अमल करना था और उसके बाद भी उसे बोनस पॉइंट्स मिलने वाले थे। उसे तो अब उन लड़कियों के बारे में सोच सोच कर थोड़ी सी दया भी आने लगी थी। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर क्यों इन बेवकूफ लड़कियों ने अर्जुन सर की होने वाली वाइफ से पंगा लिया, अब तो इन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। इधर अर्जुन ने फोन वापस टेबल पर रखा और सॉफ्टली अनुष्का के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने धीरे से अनुष्का के माथे पर किस किया और सॉफ्टली कहा, जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया ना, मैं वादा करता हूँ कि वो लोग इस बात के लिए बहुत पछताएंगे। अर्जुन उन लड़कियों को सबक सिखाने के लिए क्या प्लान बना रहा था जानने के लिए सुनते राहुल ने जब वो मैसेज पढ़ा तो वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि अर्जुन ने उसे ऑलरेडी पूरा प्लान मैसेज कर दिया, पॉइंट्स मिलने वाले थे। इधर अर्जुन ने फोन वापस टेबल पर रखा और सॉफ्टली अनुष्का के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने धीरे से अनुष्का के माथे पर किस किया और सॉफ्टली कहा, जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है ना, मैं वादा करता हूँ वो लोग इस बात के लिए बहुत पछताएंगे। थोड़ी ही देर में अनुष्का की आंख खुली तो उसने खुद को अर्जुन की बाहों में पाया। उसे अपना पोस्चर देखकर शर्म आ गई, क्योंकि वो पूरी तरीके से अर्जुन से लिपटी हुई थी और उसका सर अर्जुन के सीने पर था, जहां से उसके दिल की धड़कन वो आसानी से सुन सकती थी। अनुष्का ने झट से उठकर अर्जुन से शर्म से सर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अनुष्का को पता था कि अर्जुन काफी जल्दी उठ जाता था, इसलिए उसने अंदाजा लगा लिया था कि अर्जुन काफी देर पहले उठ गया होगा, लेकिन उसकी वजह से वो अभी तक बेड पर लेटा हुआ था। जवाब में अर्जुन ने अनुष्का को टीज करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे करीब रहने का इतना अच्छा मौका मिल रहा था, ऐसे कैसे गवा देता? ये सुनकर तो अनुष्का ब्लश करने लगी और झट से बेड से उतरकर वो वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि ये अर्जुन का कमरा था और उसके वॉशरूम में तो अनुष्का की चीजें नहीं हो सकती थी। इसलिए थोड़ी ही देर में जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि अर्जुन कमरे में नहीं था। वो बेडरूम से बाहर जाने ही वाली थी कि अर्जुन उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में अनुष्का का ब्रश और फेस वॉश था। अर्जुन के हाथ से सामान लेकर वो दोबारा अर्जुन के बेडरूम में जाने की बजाय तेजी से अपने कमरे में भाग गई। इधर अर्जुन उसकी हरकत देखकर हंस पड़ा। फिर वो खुद भी वॉशरूम जाकर फ्रेश हुआ और बाहर आया तो अनुष्का अभी तक बेडरूम से बाहर नहीं आई थी। उसने घड़ी देखी तो दोपहर के 1 बजने लगे थे। वो पहले ही समझ गया था कि अनुष्का उसके कारण देर रात तक जागी होगी, इसलिए वो इतना लेट सोती रही। अनुष्का की अपने लिए केयर देखकर अर्जुन को एक सुकून भरा एहसास हो रहा था। उसने फटाफट किचन में जाकर सबसे पहले वेज सैंडविच बनाया ताकि अनुष्का जब बाहर आए तो कुछ खा सके। वैसे भी ऑलरेडी लंच का टाइम हो चुका था। उसने सिंपल खाना बनाने का सोचा। वैसे भी पिछली रात उन्होंने काफी हैवी डिनर किया था और अर्जुन को फिक्र थी कि कहीं ज्यादा मसालेदार खाना खाने से अनुष्का की हेल्थ में कोई नेगेटिव इफेक्ट न पड़े। इधर अनुष्का तैयार होकर बाहर आई तो उसने अर्जुन को किचन में काम करते हुए देखा। अनुष्का के आने की आहट सुनकर अर्जुन ने पलटकर उसे एक स्माइल दी और डाइनिंग में बैठने को कहा। अनुष्का ने किचन में उसकी हेल्प करने के लिए पूछा तो अर्जुन ने साफ इंकार कर दिया और फिर गर्मा गर्म सैंडविच की प्लेट लेकर अनुष्का के सामने रख दी और दोबारा वो किचन में चला गया। अनुष्का को पता था कि अर्जुन ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, इसलिए उसने अपनी प्लेट उठाई और किचन में चली गई। अर्जुन ने उसे देखते ही पूछा, तुम क्यों अंदर चली आई? आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट करो। जवाब में अनुष्का ने सैंडविच अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुमने भी तो ब्रेकफास्ट नहीं किया ना। वैसे तो अर्जुन को बिल्कुल भूख नहीं लगी थी, लेकिन अनुष्का उसे अपने हाथों से खिला रही थी और यही देखकर उसका पेट तो वैसे ही भर गया था। उसने अनुष्का के हाथ से ही सैंडविच खाया। अर्जुन किचन में अपना काम कर रहा था और अनुष्का बीच बीच में उसे सैंडविच खिलाती रही। अनुष्का ने प्लेट बेसिन में रखकर रैक में से कॉफी की बोतल उठाते हुए अर्जुन से पूछा, कॉफी पीनी है? अर्जुन के हाँ कहने पर अनुष्का ने उन दोनों के लिए कॉफी बनाई और फिर वहीं खड़े होकर अर्जुन के साथ कॉफी पीने लगी। थोड़ी देर में लंच रेडी हो गया था, दोनों ने साथ में लंच किया। लंच के बाद अर्जुन को वापस मिलिट्री बेस जाना था, लेकिन उसका अनुष्का को छोड़कर जाने का मन नहीं था, पर फिर भी ड्यूटी तो ड्यूटी थी। लंच के बाद अर्जुन अपने बेडरूम में गया और यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आया तो अनुष्का उसे देखती रह गई। अनुष्का को लगता था कि अर्जुन हर ड्रेस में परफेक्ट लगता है, लेकिन यूनिफॉर्म में वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिखता था। अर्जुन अनुष्का के करीब आया और उसे कस के हग करके उसके माथे पर किस करता हुआ बोला, मेरा जाने का बिल्कुल दिल नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। तुम्हें कॉलेज तो जाना नहीं है, तुम यही पढ़ाई कर सकती हो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं रात में लौट आऊंगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कॉल करना। जवाब में अनुष्का ने भी प्यार से अर्जुन के गालों पर किस करते हुए कहा, डोंट वरी, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा देर हो जाए तो देर रात ड्राइव करके आने की जरूरत नहीं है, ओके? अर्जुन के जाने के बाद अनुष्का ने केविन को कॉल लगाया। कॉल रिसीव करते ही केविन ने अनुष्का से कहा, बॉस आज कल आप थोड़ी सी बदल गई हो, अनुष्का ने पूछा।
क्या मतलब? केविन ने अनुष्का को टीज करते हुए कहा, अब ऐसे भी कंपनी के मामलों में पूरी जिम्मेदारी हमें देती हूँ और अब तो आपने हमें कॉल तक करना बंद कर दिया है। और ये तो छोड़ो, आजकल आप मैसेज इतना भी जवाब नहीं दे रही हो, लगता है अर्जुन ने आपको काफी बिजी रखा हुआ है। केविन की बात सुनकर अनुष्का ने मजाक के अंदाज में स्ट्रिक्टली कहा, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? केविन ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा सॉरी बॉस। अनुष्का ने अब गंभीर होकर पूछा, बताओ क्या अपडेट है? केविन ने जवाब में सीरियस होते हुए कहा, बॉस हम लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सारे मेन अड्डों का पता लगा लिया था। हम लोगों ने अपने स्पेशल लोगों को भी उनके अंदर एज अ विक्टिम प्लान कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में आपको न्यूज़ में अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। मुंबई, दिल्ली जैसे सारे बड़े शहरों में अभी हमने टारगेट किए हुए हैं, जल्दी ही हम इन्हें जड़ से मिटा देंगे और इसके साथ साथ एम्पायर का एक मेन इनकम का सोर्स भी खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही अनुष्का के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, वेरी गुड, लेकिन याद रहे जिन लड़कियों को तुमने भेजा है उन्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। केविन ने कहा, डोंट वरी बॉस, वो लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रीट हैं। अनुष्का ने थोड़ी देर तक केविन से कंपनी के मैटर पे और भी बात करी और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट करके वो अपने बेडरूम में आ गई। उसने अलमारी में से लैपटॉप निकाला और फिर खुद इस वेबसाइट के जरिए उन लोगों को ट्रेस करने लगी जिसने उस पर पिछले दिन हमला करवाया था। करीब एक घंटे में रिजल्ट उसके सामने था और उसे पता चल गया था कि ये सारी चीजें करवाने वाली नैना नहीं बल्कि मेघा थी। उसे ये भी पता चल गया था कि इन सब में मायरा ने भी उसका साथ दिया था। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो इस बात का बदला जरूर लेगी, लेकिन अभी नहीं, सिर्फ वक्त आने पर। यही सोचकर उसने लैपटॉप बंद किया और फिर अपने एग्जाम्स की पढ़ाई के लिए वो जुट गई। उसे काफी कुछ पढ़ना बाकी था। शाम तक वो पढ़ाई करती रही और इवनिंग में दोबारा अपना लैपटॉप खोलकर वो अंडरवर्ल्ड के लोगों पर नजर रखने लगी। करीबन 7 बजे उसके फोन की घंटी बजी। ये अर्जुन का कॉल था। अर्जुन का कॉल आते ही अनुष्का ने एक्साइटेडली कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। जवाब में अर्जुन की पूछी हुई आवाज सुनाई दी, अनुष्का आई एम सॉरी, मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। मैंने ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट में कॉल करके तुम्हारे लिए डिनर ऑर्डर कर दिया है और 8 बजे तक तुम्हें डिलीवरी कर देंगे। तुम खाना खाकर आराम करना और अगर तुम अकेले अच्छा फील ना करो तो तुम अपनी फ्रेंड्स को बुला लेना। जवाब में अनुष्का ने सॉफ्टली कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वैसे भी पढ़ाई करूंगी और डिनर के लिए थैंक्स। जवाब में अर्जुन ने कहा, थैंक्स कहने की क्या जरूरत है वैसे अनुष्का, आई मिस यू। ये सुनते ही अनुष्का के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई थी और उसने भी सॉफ्टली कहा, आई मिस यू टू। और बाय कहकर उसने झट से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। वो वाकई अर्जुन को बहुत मिस करने लगी थी और उसका बस चलता तो वो पूरा टाइम अर्जुन के साथ स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि रियलिटी में तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी तरह उसने अपना ध्यान दोबारा अपने काम पर लगाया। करीबन 8 बजे जैसा कि अर्जुन ने कहा था, कोई खाना डिलीवर करने आया। डिनर करने के बाद अनुष्का ने अर्जुन को मैसेज करके बता दिया कि उसने डिनर कर लिया है और उसे भी डिनर करने को कहा। अर्जुन का रिप्लाई ना आने पर अनुष्का समझ गई थी कि वो बिजी होगा। उसने दोबारा से अपनी बुक्स निकाली और कुछ देर तक वो पढ़ाई करने लगी। जल्दी ही उसे भी नींद आने लगी थी तो उसने सुबह का अलार्म लगाया और फिर बेड पर जाकर लेट गई। बेड पर लेटते ही उसे अर्जुन का ख्याल आया और सुबह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन के बारे में सोचते हुए वो मन ही मन खुद को डांटते हुए ब्लश करने लगी। अगले दिन जब अनुष्का क्लासरूम में पहुंची तो मायरा और मेघा के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वो लोग तो कल रात से काफी एक्साइटेड थी कि आज के बाद उन्हें अनुष्का का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा और उनका बदला भी पूरा होने वाला था। लेकिन अनुष्का को एकदम सेफ एंड साउंड देखकर दोनों की हालत खराब हो गई थी। वो दोनों मन ही मन ये सोच रहे थे कि अनुष्का सही सलामत क्लास में कैसे आ गई। उन्होंने तो सोचा था कि उन्हें अनुष्का के हॉस्पिटलाइज होने की न्यूज़ मिलेगी या फिर उसके वीडियो वायरल हो चुके होंगे, लेकिन सुबह तक उन्हें कोई भी खबर नहीं मिली तो उन्हें लगा कि शायद कुछ देर बाद उन्हें न्यूज़ मिले। लेकिन अब अनुष्का को देखकर उन्हें समझ में आ रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अनुष्का को पता था कि मायरा और मेघा अभी सदमे में होंगी। उसने उन्हें इग्नोर किया और चॉकलेट खाती हुई वो आराम से अपने टेबल की तरफ बढ़ी। उसने डेनिम जींस के साथ व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था। फिटिंग की जींस में उसके लंबे पैर और ज्यादा स्ट्रेट और स्लिम नजर आ रहे थे। उसने बालों को हाई पोनीटेल किया हुआ था जिससे उसके चेहरे का लुक और उभर कर आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था फिर भी उसका चेहरा काफी सॉफ्ट और ग्लो करता हुआ नजर आ रहा था। मायरा ने अनुष्का को देखा तो वो खुद भी सोचने लगी कि अनुष्का वाकई में कितनी ब्यूटीफुल है। और यही सोच सोचकर उसके मन में अनुष्का के प्रति जलन की भावना और बढ़ने लगी। उसे सही सलामत देखकर तो वैसे ही उसके मन में आग जल रही थी। इससे कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या उन लोगों ने इतना काम नहीं किया? इससे तो इस वक्त लोगों की नजरों में गिर जाना चाहिए था। और ये यहाँ अपनी खूबसूरती से वफाई बटोर रही है, ये कैसे उन लोगों से बच गई? कहीं अर्जुन ने तो नहीं उसे बचाया? अर्जुन के बारे में सोचते ही मायरा के रोंगटे खड़े हो गए थे। इधर शिवानी की नजर भी अनुष्का पर थी। उसे तो वैसे ही अनुष्का पहले से पसंद नहीं थी। उसने जब से अनुष्का को प्राउडली और एरोगेंटली बेफिक्र होकर अंदर आते हुए देखा था तभी उसके मन में एक आइडिया आया। उस वक्त वो सबके टेस्ट पेपर बांट रही थी। वो जानबूझकर अनुष्का के सामने आई और उसने धीरे से अपना पैर आगे निकाला कि अनुष्का उससे टकराकर लड़खड़ाकर गिर पड़े। लेकिन अनुष्का ने ऑलरेडी उसकी मूवमेंट्स नोटिस कर ली थी। अनुष्का अभी भी आराम से अपने टेबल की तरफ बढ़ रही थी कि उसने जानबूझकर दिशा और पल्लवी की तरफ देखकर हाथ मिलाते हुए हाई किया और शिवानी के पैर पर अपना पैर रख दिया। अनुष्का मार्शल आर्ट्स में काफी ट्रेंड थी और उसके मूवमेंट से शिवानी के पैर में काफी गहरी चोट आई और वो दर्द से चीख पड़ी। उसके हाथ से टेस्ट पेपर सारे नीचे फ्लोर पर गिर पड़े थे। उनमें से कुछ पेपर अनुष्का के पैरों के पास भी आकर गिरे। अनुष्का झुककर उन पेपर्स को उठाने ही वाली थी कि उसने शिवानी के गुस्से से भरी आवाज को सुना, अनुष्का तुमने मेरे पैर पर पैर क्यों रखा? तुम मेरा पैर तोड़ना चाहती हो क्या? अनुष्का ने आरोग्यली शिवानी की तरफ देखा जो टेबल पर बैठकर अपना पैर पकड़े हुए दर्द से कराह रही थी। उसने आरोग्यली उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मैं तुम्हारा पैर तोड़ना चाहती हूँ, तुम्हें किसने कहा था कि जानबूझकर अपना पैर सामने अड़ाओ ताकि मैं गिर जाऊं? शिवानी ने इनकार करते हुए कहा, मैंने कब जानबूझकर अपना पैर अड़ाया? अपनी गलती मानने की बजाय तुम मुझ पर ही दोष दे रही हो। अनुष्का ने शिवानी की तरफ ऐसे देखा जैसे कि वो किसी बेवकूफ को देख रही हो और सिक्योरिटी कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें वो कैमरा नजर आ रहा है? कुछ करने से पहले तुम इधर उधर भी नहीं देखती हो ना? इतनी पढ़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ जब तुम्हें इतनी अकल नहीं है तो। अनुष्का के पॉइंट आउट
करने के बाद शिवानी को रियलाइज हुआ कि क्लासरूम में सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। ये समझ आते ही उसकी हवाएं उड़ गई थी। उसे पता था कि उसने जानबूझकर अनुष्का को गिराने की कोशिश करी थी और ये सारी चीजें कैमरा में जरूर रिकॉर्ड हुई होंगी। एक तो उसके पैर में अभी भी काफी दर्द हो रहा था और उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी दुबली पतली दिखने वाली अनुष्का के पैरों में इतनी ताकत कैसे आई। शिवानी को क्या पता था कि सिर्फ उसके इतने ही जोर से उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका है, क्योंकि अभी उसे दर्द कम हो रहा था इसलिए वो ये चीज नोटिस नहीं करेगी। लेकिन जब तक वो ये बात नोटिस करेगी तब तक उसके पैर को और नुकसान पहुंच चुका होगा। अनुष्का ने नोटिस किया कि शिवानी आगे कुछ कह नहीं रही है, तो उसने भी आगे उसके लिए चीजें मुश्किल ना करने का सोचा। वैसे भी जब तक कोई आगे से उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे वो कभी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। शिवानी को इग्नोर करके उसने अपने पैरों के पास पड़े टेस्ट पेपर को झुककर उठा लिया और उनमें से एक पर शिवानी का नाम लिखा हुआ था और उसका स्कोर। फिर देखकर अनुष्का के चेहरे पर एक एरोगेंट स्माइल आ गई थी। टेस्ट पेपर हर स्टूडेंट का प्राइवेट मैटर होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने नंबर दूसरों को बताना पसंद नहीं करते। शिवानी भी उन्हीं लोगों में से एक थी, लेकिन उसका बैड लक कि अनुष्का ने उसके स्कोर को देख लिया था। अनुष्का ने स्माइल किया और उसके स्कोर को सबके सामने एक्सपोज करते हुए कहा, शिवानी मिश्रा फिजिक्स 51 पॉइंट्स। अनुष्का की बात सुनते ही क्लास में सभी लोग निश्चब्द थे, क्योंकि शिवानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से एक थी और उसके पहले वो फिजिक्स में काफी अच्छे मार्क्स लेकर आई थी, जिससे क्लास के काफी लोग उससे जेलस थे।